धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, अभी श्री नारायण स्वामी जी ने 3 बिल सदन में चर्चा के लिए रखे हैं, लोकपाल विधेयक, संविधान संशोधन का 116वां विधेयक और विसल ब्लोअर। जिस उत्तेजना में, जिस मुद्रा से मंत्री जी ने ये बिल सदन में पेश किया, उससे लगता है सरकार बहुत नाराजगी में ये बिल लेकर आई है। अध्यक्ष जी, आपने अनेक मंत्रियों को बिल प्रस्तुत करते देखा होगा। चूंकि बिल पारित कराना होता है, इसलिए मंत्री बहुत शांति से, शांत मुद्रा में बिल रखते हैं और हाथ जोड़कर अंत में प्रार्थना करते हैं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करिए। लेकिन वो तो लगता था लड़ने के लिए तैयार था। बजाय बिल के प्रावधानों पर बोलने के लिए वो एक राजनीतिक भाषण कर रहे थे। आवाज पर आप टिप्पणी कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैं उनकी भाव और मुद्रा की बात कर रही हूं। अध्यक्ष जी, पिछले 1 वर्ष से इस देश में लोकपाल की चर्चा हो रही है और अन्ना हजारे जी के जन आंदोलन ने इस चर्चा को और गर्मा दिया है। इसलिए देश बहुत उत्सुकता से ये प्रतीक्षा कर रहा था। कि शीतकालीन सत्र में सरकार एक बिल लेकर आएगी, जिस बिल में से एक सशक्त, एक प्रभावी लोकपाल निकलेगा, जो भ्रष्टाचार पर करारी चोट करेगा और लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएगा। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो बिल सरकार लेकर आई है, उसमें इतनी त्रुटियां हैं, इतनी खामियां हैं कि उसने हम सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अध्यक्ष जी, ये बिल संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लंघन करता है। ये बिल एक कमजोर और सरकारी लोकपाल पैदा करता है। ये बिल अनेकानेक विकृतियों और विसंगतियों से भरा हुआ है और ये बिल इस सदन में बनी हुई सेंस ऑफ द हाउस की अनदेखी करता है। अध्यक्ष जी, जिस समय यह बिल पेश किया जा रहा था, आज नहीं, इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, उस समय आप पीठासीन नहीं थी, मगर उस समय के पीठासीन सभापति से भी अनुमति लेकर मैंने इस बिल पर 2 संवैधानिक आपत्तियां उठाई थी। एक, जिसको आज अभी लालू जी ने कहा कि यह बिल संघीय ढांचे पर प्रहार करता है, और दूसरा, ये बिल संविधान सम्मत आरक्षण का प्रावधान नहीं करता। पेश किए जाते समय आप बहुत लंबी बात नहीं कह सकते, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी करनी होती है, इसलिए मैंने संक्षेप में अपनी बात कही थी। लेकिन आज मैं विस्तार से अपनी बात कहना चाहूंगी और इन 4 आरोपों को जो मैंने इस बिल पर लगाए हैं, तर्क और तथ्य के साथ इस सदन में पुष्ट करना चाहूंगी। अध्यक्ष जी, हमारे देश के संविधान के कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं। बहुचर्चित केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारतीय संविधान में किसी भी तरह का संशोधन संसद कर सकती है, पर बुनियादी सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और वो बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने लिखे, उसमें फेडरल स्ट्रक्चर, देश के संघीय ढांचे को भी एक बुनियादी सिद्धांत माना। इस बुनियादी सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए हमारे संविधान के 7वें शेड्यूल में 3 सूचियां बनाई गई है। एक सूची है सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, केंद्र की सूची, संघ की सूची। एक सूची है स्टेट लिस्ट, राज्यों की सूची, और एक सूची है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तीनों सूचियों में अलग अलग विषय वर्णित किए गए हैं। संघ की सूची पर भारतीय संसद कानून बना सकती है, राज्यों की सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य की विधानसभाओं को है, समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर एक ही विषय पर दोनों ने बना दिया तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा, यह हमारे यहां प्रावधान है। अब मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि यह बिल लोकपाल
और लोकायुक्त दोनों का प्रावधान कर रहा है। लोकपाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को देखेगा और लोकायुक्त राज्य सरकारों के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को देखेगा। और ये राज्य सरकारों के कर्मचारी, ये हमारे यहाँ स्टेट लिस्ट का विषय है। ये मेरे पास संविधान है, संविधान की 7वीं सूची और उसकी 2री लिस्ट नंबर 2 स्टेट लिस्ट, उसकी एंट्री 41, प्रविष्टि 41, 7th शेड्यूल लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट एंट्री 41, स्टेट पब्लिक सर्विसेज। यानी राज्य सरकार के कर्मचारियों के बारे में कोई भी कानून बनाने का अधिकार इस देश में राज्य की विधानसभाओं को दिया गया है। लेकिन इसी संविधान में 2 धाराएं ऐसी हैं जहां राज्यों के विषय पर भी केंद्र कानून बना सकता है, और वो 2 धाराएं हैं, एक है 252 और एक है 253। मैं वो दोनों के भी शीर्षक आपको पढ़ के सुनाती हूं। 252 कहता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट्स बाय कंसेंट एंड एडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय द अदर स्टेट्स। यानी 2 राज्य अगर सरकार से कहें कि आप अमुक विषय पर बिल बना दो तो भारतीय संसद बना सकती है, और बाकी राज्यों के लिए एक इनेबलिंग प्रोविजन देती है कि अगर आप भी इस बिल को अपनाना चाहें तो आप अपना सकते हैं। दूसरा है 253, आर्टिकल 253, लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, जिसका जिक्र अभी नारायण स्वामी कर रहे थे। अध्यक्ष जी, जिस समय इस सदन में चर्चा हो रही थी सेंस ऑफ द हाउस लेने के लिए, तो जो 3 विषय नेता सदन ने रखे थे उसमें एक विषय यह भी था कि क्या लोकपाल और लोकायुक्त एक साथ बनाया जा सकता है, एक एक्ट के अंतर्गत बनाया जा सकता है। उस समय भी मैंने यहां खड़े होकर कहा था कि बनाया जा सकता है, मगर रास्ता 252 का अख्तियार करें। यह मेरा भाषण है। अध्यक्षा जी, इसके बाद वे 3 प्रश्न आते हैं जो नेता सदन ने हमारे विचार के लिए अपने वक्तव्य में उठाए हैं। एक विषय है, क्या एक ही एक्ट से लोकपाल और लोकायुक्त बन सकता है? संविधान का अनुच्छेद 252 हमें यह अधिकार देता है कि 2 राज्यों के समर्थन से यह लोकसभा एक इनेबलिंग प्रोविजन के साथ ऐसा कानून बना सकती है जिसे बाद में राज्य स्वीकार कर सके। मैं कहना चाहती हूँ कि अनुच्छेद 252 को हम देख लें, उसमें यह लिखा है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट्स बाय कंसेंट एंड एडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट। इसके तहत हम एक ही बिल से लोकपाल और लोकायुक्त बना सकते हैं, 2 राज्यों के समर्थन से बना दें, बाकी राज्यों के लिए एक इनेबलिंग प्रोविजन बना दें जिससे राज्य सरकारें उसको एडॉप्ट कर सकें, ताकि कोई राज्य सरकार ये ना कह सके कि हमारे पास कोई मॉडल बिल नहीं है। जब जब सरकार से अलग से भी बात हुई तो हमने ये कहा कि 252 का रास्ता अख्तियार कर लीजिए, एक बिल बना दीजिए, ताकि राज्य सरकारों की इच्छा होगी अगर वो उस बिल को लेना चाहेंगे तो जस का तस ले लेंगे, संशोधित रूप में लेना चाहेंगे तो संशोधित रूप में ले लेंगे, और नहीं लेना चाहेंगे तो नहीं लेंगे, लेकिन ये 252 का रास्ता अख्तियार कर लीजिए। आज सरकार ने मंशा तो ये दिखाई कि हम सरकारों, राज्य सरकारों पर थोपना नहीं चाहते। स्टेट लेजिस्लेचर भी बिल बना सकती है, लेकिन रास्ता अख्तियार किया 253 का। अभी जो नारायण स्वामी कह रहे थे कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का विषय उठाता, नहीं नारायण स्वामी जी, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का विषय नहीं उठा था। 253 के तहत आपके पास पावर है ये कहकर हमने ये कहा था कि विषय ये है कि क्या 253 के नीचे का बिल मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। हमने ये कहा था कि 253 के नीचे अगर बिल बनाओगे तो बिल मैंडेटरी होगा। आप चाहते हो कि बिल ऑप्शनल हो, आप ऑप्शन देना चाहते हो, और आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में दी है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। 323D, देयर शैल बी ए लोकायुक्त फॉर एवरी स्टेट, द पावर्स ऑफ सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन रिलेटिंग टू होल्डिंग अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कॉजिंग एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लेंट्स मेड टू द लोकायुक्त अंडर एनी लॉ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मेड बाय पार्लियामेंट और दी स्टेट लेजिस्लेचर एज द केस में बी शैल वेस्ट इन दी लोकायुक्त। आपकी मंशा यही है हमारे वाली कि राज्य सरकारों पर यह थोपा न जाए, और इसीलिए आपने दोनों ऑप्शन दी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में।
आप इससे संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं लोकपाल और लोकायुक्त को। तो आपने कहा कि पार्लियामेंट लॉ बनाए या स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ बनाए, लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा इससे मिलेगा। और आपकी ये बात कपिल सिब्बल जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया के अपने एक बयान में कही, इस मंशा को जाहिर किया। ऑन कोट कपिल सिब्बल, वी आर नॉट सेइंग द लॉ इफ इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट वुड बी ए मस्ट फॉर द स्टेट्स। The model law is incorporated in the Lokpal and Lokayukta Bill is an enabling legislation for the state legislatures to adopt in its entirety or such of those provisions which they consider appropriate to adopt, Sibbal said. लेकिन ये सरकार इतनी confused है कि आज पूरे का पूरा भाषण नारायण स्वामी ने बदल दिया। आज वो कह रहे कि हमने तो mandatory ही बनाया है, हमने तो इसलिए बनाया है कि वरना गुजरात जैसा घटेगा, कोई राज्य लोकायुक्त बना नहीं पाएंगे। इनके दो मंत्री दो स्वर में बोल रहे हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि हमने ये बिल बनाया है ऑप्शन के साथ रखते हुए, और वहां मेरा जवाब यह है कि कपिल जी 253 के नीचे ऑप्शन दी ही नहीं जा सकती। 253 के नीचे बना हुआ लॉ मैंडेटरी होता है। और आपके बयान का जवाब देने के लिए मैं लॉ कमीशन की रिपोर्ट लेकर आई हूं अपने साथ, 186th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें एक प्रश्न उठा था अध्यक्ष जी कि क्या 252 के तहत बनाए हुए बिल को 253 में अमेंड किया जा सकता है। कपिल जी गौर करिए लॉ कमीशन ने क्या कहा। इफ पार्लियामेंट हैड पास्ड द अमेंडिंग लॉ ऑफ 1978 अंडर आर्टिकल 253, देयर वुड हैव बीन नो नीड फॉर द स्टेट्स टू पास रेजोल्यूशंस इन देयर लेजिस्लेचर्स or to adopt the amending law of 1978. After all, the idea is to have uniform laws in all the states if they are made to implement decisions taken at international conferences. Dobara padhu. After all, the idea is to have uniform laws in all the states if they are made to implement decisions taken at international conferences. Aur aapne ye bill international conference ke liye hi banaya, क्योंकि इस बिल के प्रीएम्बल में ही लिखा है। बिल का प्रीएम्बल देखिए, प्रीएम्बल ऑफ द बिल, एंड वेयर इज इंडिया हैज रेटिफाइड द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, नाउ देयरफॉर इट इज एक्सपीडिएंट टू इनेक्ट ए लॉ फॉर मोर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेड कन्वेंशन एंड टू प्रोवाइड फॉर प्रॉम्प्ट एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन इन केसेस ऑफ करप्शन। ये आपके बिल का सोर्स है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को अमली जामा पहनाने के लिए आप ये बिल बना रहे हैं, इसलिए 253 का सहारा ले रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं कि 253 के नीचे बना हुआ बिल ऑप्शनल है। आपके मंत्री आज मूव करते हुए कहते हैं 253 के नीचे बना हुआ लॉ मैंडेटरी है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहता है कि नहीं, हम तो ऑप्शन देना चाहते हैं, हम राज्यों पर लादना नहीं चाहते। आपका मंत्री मूव करते हुए कहता है हम राज्यों पर लादना चाहते हैं। तो पहले तय तो कर लीजिए आप चाहते क्या हैं। और अगर आप मैंडेटरी लॉ बना रहे हैं तो उसमें एक खतरा ये पैदा होता है जो अभी लालू जी ने कहा कि संघीय ढांचा कहां आहत होता है, कि फिर तो राज्यों के विषय पर अगर कभी भी भारतीय संसद कानून बनाना चाहेगी, केंद्र सरकार बनाना चाहेगी और उन विषयों में हस्तक्षेप करना चाहेगी तो किसी एक देश के साथ संधि कर लेगी किसी तरह की और उसके नीचे ये बिल ले आएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि संघीय ढांचे पर प्रहार करता है। लेकिन पहले आप हमें बताइए कि आप मैंडेटरी लॉ लाए हैं या आप ऑप्शनल लॉ लाए हैं। प्रणंदा कहते हैं ऑप्शनल है, जहां लोकायुक्त है वो खत्म हो जाए, वो कहते हैं ऑप्शनल है। कपिल सिब्बल कहते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में ये ऑप्शनल है, ये इनेबलिंग प्रोविजन के साथ है। लेकिन आज कलई खुल गई जब नारायण स्वामी खड़े होकर कह रहे हैं नहीं ये तो मैंडेटरी है। मैंडेटरी है, इसका अर्थ पता है आपको क्या होगा? देश के 18 राज्यों में लोकायुक्त हैं, आपके बिल से कहीं ज्यादा बेहतर लोकायुक्त है। अभी अभी उत्तराखंड का एक बिल बना है, नायाब बिल, ऐसा बिल जो भ्रष्टाचार पर सीधे चोट लगा। कर्नाटक का बिल पुराना बना हुआ है,
इतने अच्छे बिल बने हैं आपका, आपका ये बिल आते ही वो खत्म हो जाएंगे। और कपिल जी, जिस धारा का आप हवाला दे रहे हैं 64(5) का, वो ट्रांजिशनल है, जरा पढ़ लीजिए उसको, वो ट्रांजिशनल है। जैसे अगर कोई इस्तीफा दे दे प्रधानमंत्री या कोई, तो राष्ट्रपति कहते हैं जब तक दूसरा ना आ जाए तब तक आप बने रहेंगे, उसको ट्रांजिशन कहते हैं, वो ट्रांजिशनल पीरियड है कि जब तक वो राज्य इसको अडॉप्ट ना कर ले तब तक वो ट्रांजिशन रहेगा। मैं आपसे प्रश्न करती हूं कि जिन 9 राज्यों में बिल नहीं है, क्या ये बिल पारित होते ही उन पर लागू नहीं हो जाएगा? क्योंकि वहां तो कोई ट्रांजिशनल क्लॉज का सवाल नहीं। इसलिए पहले अपना कंफ्यूजन दूर करिए। मेरे कुछ प्रश्न है कपिल जी आपसे। आप मानते हैं कि लोकायुक्त राज्य सरकार कर्मचारियों को देखेगा? मानते हैं आप? चेयर को आप ये भी मानते हैं सुषमा जी कि राज्य आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछे? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये सवाल करना चाहती हूँ। क्वेश्चन आप में कहते ना, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती मगर इधर ही करी। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि आप मानते हैं कि लोकायुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले देखेगा? आप मानते हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों से जुड़ा विषय राज्य सूची का विषय है? आप मानते हैं कि राज्य सूची के विषय को केवल 2 धाराओं के अंतर्गत भारतीय संसद कानून बना सकती है, 252 और 253? आप मानते हैं कि 252 के लिए 2 राज्यों के प्रस्ताव चाहिए? आप मानते हैं कि वो 2 राज्यों के प्रस्ताव आपके पास नहीं है? आप मानते हैं कि आपने ये बिल 253 में बनाया है? आप मानते हैं कि ये बिल आपने यूनाइटेड नेशंस अगेंस्ट करप्शन को अमली जामा पहनाने के लिए बनाया है? तो ये भी मानिए कि 253 के नीचे बना हुआ लॉ मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। और एक ऐसा बिल ला करके आपने केवल देश के संघीय ढांचे पर आहत ही नहीं किया है, बल्कि जो राज्य भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से लड़ रहे हैं उनके ढार को कुंद करने का अपराध किया। अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा अध्यक्ष जी मेरी दूसरी आपत्ति आरक्षण के प्रावधान को लेकर है। अध्यक्ष जी, हमारे यहां 1952 के इंदिरा साहनी केस से लेके 2010 के कृष्णामूर्ति के केस तक सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा कि आरक्षण की अपर लिमिट, अधिकतम सीमा 50% होगी, 50% शैल बी द रूल। अपवाद अगर किया तो केवल नॉर्थ ईस्ट जैसे फार फ्लंग एरियाज के लिए किया। लेकिन अगर आप इस बिल का प्रोविजन देखें, धारा 3 का प्रोवाइजो, वो कहता है provided that not less than 50% of the members of the Lokpal shall be from amongst the persons belonging to the scheduled caste, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women. Not less than का मतलब है न्यूनतम सीमा। जो सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतम सीमा निर्धारित की उसको ये बिल कहता है न्यूनतम सीमा, यानी 50% से कम तो होगा नहीं, 50% से ऊपर जितना हो सकता। लोकपाल में 9 मेंबर है टोटल, चेयरमैन के साथ, चेयरमैन के साथ मिलाकर 9 मेंबर्स हैं, एक चेयरमैन 8 मेंबर, 9 में से नॉट लेस देन 50% का मतलब है 5 आरक्षित हो गए। आप 7 भी कर सकते हैं, आप 8 भी कर सकते हैं, आप 9 के 9 भी कर सकते हैं। ये बिल आपको ये कहता है। जिस समय मैंने ये बात रखी तो बाद में लालू जी ने बोलते हुए कहा
कि यह सीमा तो नौकरियों के लिए है। और बड़ी हुंकार भरी सहमति उधर से आई संसदीय कार्य मंत्री की, दिस इज दी पॉइंट। संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं आपको कहना चाहती हूं, दिस इज नॉट दी पॉइंट पवन भाई। क्योंकि अगर नौकरियों के लिए 50% की सीमा है तो संवैधानिक पदों के लिए तो आरक्षण है ही नहीं, संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी आरक्षण है ही नहीं, जुडिशरी में लाओ, इलेक्शन कमीशन में लाओ, संवैधानिक पदों पर। और आपकी स्टैंडिंग कमेटी ने ये कहा कि ये आरक्षण वांछित नहीं है, ये मेरे पास स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है। The committee also believes that although the institution of Lokpal is a relatively small body of 9 members and specific reservation cannot and ought not to be provided in the Lokpal institution itself. Yes, any committee ka recommendation. Cannot and ought not to be. 9 members ki body mein nahi diya ja sakta aur nahi diya jana chahiye. Ye unhone kaha. Samvidhanik pad kya hai? Rashtrapati, Uparashtrapati, Pradhanmantri, मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद संवैधानिक संस्थाएं क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट, सीईसी, सीईसी, सीबीसी, सीएजी। संवैधानिक संस्थाओं में हमारे यहाँ आरक्षण का प्रावधान नहीं है, लेकिन आज एक बात कहते हुए मुझे गर्व महसूस होता है, आज एक बात कहते हुए गर्व महसूस होता है, सुनिए, खिलाफ नहीं हूँ, सुनिए, आज मुझे एक बात कहते हुए गर्व महसूस होता है अध्यक्ष जी, क्योंकि इन्होंने इस बिल में, इस बिल में इन्होंने केवल संवैधानिक संस्थाओं के लिए आरक्षण ही नहीं किया, केवल 50% की सीमा को नहीं बढ़ाया, ये धर्म आधारित आरक्षण भी लेकर आए। 50% की तो सीमा तय करता है संविधान, लेकिन मजहब पर आधारित आरक्षण की तो अनुमति ही नहीं देता संविधान, इजाजत ही नहीं देता। लेकिन एक बात कह दूं, मुझे बहुत गर्व है ये बात आज भारतीय संसद के मंच पर खड़े होकर कहते हुए कि आरक्षण के बिना भी माइनॉरिटीज के अनेकानेक महानुभावों ने इन संवैधानिक पदों को सुशोभित किया। अध्यक्ष जी, 12 राष्ट्रपति हुए हैं भारत में, 12, 4 माइनॉरिटीज से हुए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और दोनों सरकारों ने लगा। से 4 राष्ट्रपति माइनॉरिटीज से हुए, नाम लिए मैंने, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमने भी लगाया, एनडीए सरकार ने भी और आपने भी लगाया, बिना किसी सरकार के। अध्यक्ष जी, उन्हें समझ लिए जब उनका टाइम आए वो बोल ले, मुझे अच्छी बात कहने दो, हो गए बैठ जाइए, नथिंग जिस पर भारत को गर्व है मैं बात कर रही हूं, बैठ जाइए, यस प्लीज, आप बोलिए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, प्लीज टेक योर सीट, आप बैठ जाइए, स्थानांतरण कर लीजिए अपना, बैठ जाइए, बैठिए, नथिंग एल्स विल गो इन रिकॉर्ड। हाँ, किसी ने नहीं कहा, बैठिए, बैठिए। अध्यक्ष जी, जो मैं बोल रही हूँ वो रिकॉर्ड पे जा रहा है ना? Nothing else will go on record. जो मैं बोल रही हूँ वो रिकॉर्ड पे जा रहा है। वो रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। और मैं हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, गर्वी ने हिंदुस्तान की, और गर्व से कर रही हूँ।
अथॉरिटीज से हुए। ये नौकरी के लिए नहीं बिल। इनके चाहने ना चाहने से क्या होता है, देश चाहता है, देश ने दिया है, हिंदुस्तान को गर्व है। तीन उपराष्ट्रपति हुए हैं माइनॉरिटी से, जाकिर हुसैन साहब, हिदायतुल्ला साहब, हामिद अंसारी। एहसान नहीं किया, एहसान नहीं किया तभी कह रही हूँ। प्रधानमंत्री आज भी वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह माइनॉरिटी से हैं, पर इसलिए नहीं है कि माइनॉरिटीज के हैं, इसलिए है कि ये श्रेष्ठ हिंदुस्तानी है। अध्यक्ष जी बैठ जाइए, शांत हो जाइए, हो जाइए। नहीं, न्यायपालिका पर आती हूँ। अध्यक्ष जी खुश होना चाहिए, गर्व से सीना फूलना चाहिए जो बात मैं कह रही हूँ, और आप टोका टोकी कर रहे हैं। अध्यक्ष जी न्यायपालिका में देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पांच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माइनॉरिटी से हुए हैं। जस्टिस हिदायतुल्ला, जस्टिस एम एच बेग, जस्टिस एम अहमदी, जस्टिस भरूचा और जस्टिस कापड़िया, पांच। अहमदी गिनाया मैंने, अहमदी गिनाया। और ये नहीं, यही मैंने कहा। और अध्यक्ष, अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी इतने गर्व की बात कर रही हूँ कि विदेश सुनेगा, अंतर्राष्ट्रीय जगत सुनेगा, भारत की प्रशंसा करेगा। आपसे ये भी समाया नहीं जाता। आप बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, बैठ शांत हो जाइए। अच्छी बात, जब आपकी टर्न आएगी तब आप बोलिएगा। अभी सुनिए, अच्छी बात, आपकी भी टर्न आएगी। मैं कोई तथ्य गलत दे रही हूँ, कोई बात गलत कह रही हूँ तो आप टोकिए। अरे अंतरराष्ट्रीय जगत के लोग सुन रहे होंगे, हिंदुस्तान की पीठ थपथपा रहे होंगे कि भारतीय संसद में ये कहा जा रहा है। अध्यक्ष जी न्यायपालिका के बाद संवैधानिक संस्था पर आइए। भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। आज हमारे निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया का संचालन माइनॉरिटी का व्यक्ति कर रहा है, हमारा सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री एस वाई कुरैशी। इसलिए नहीं चुना, इसलिए नहीं चुना कि वो माइनॉरिटी है, इसलिए नहीं चुना कि वो माइनॉरिटी है, इसलिए चुना कि वो काबिल है, वो योग्य है, वो काबिल है, वो योग्य है। और संवैधानिक पदों पर इसलिए चुना कि वो श्रेष्ठ हिंदुस्तानी है। ये अच्छी बात भी सुनाई, सुनने में आपको बुरी लगती है। शांत हो जाइए, लेकिन तेरे क्या इतना शोर मचा रहे हैं। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं, आज जो हम कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के लिए सही नहीं होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहती हूँ, हिंदुस्तान के बंटवारे का अंकुर धर्म आधारित आरक्षण में पड़ा था और अंततः देश टूट गया था। सबसे पहले रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन आया था, वो बीज था बंटवारे का। आपने वो त्रासदी भोगी है, प्रधानमंत्री जी आपने वो त्रासदी भोगी है, आपने वो पीड़ा सही है, और आप अपने राज्य में ये कर रहे हैं। आपने एक शेर पढ़ा था एक बार इस सदन में हमें संबोधित करते हुए, आज मैं उसी शेर को आपको मुखातिब करते हुए कहती हूँ। तारीख की आंखों ने वो दौर भी देखे हैं,
लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आज है वो ये लम्हा, आज है वो लम्हा, हम करने क्या जा रहे हैं? मजहब पर आधारित आरक्षण, मजहब पर आधारित आरक्षण इस देश में विभाजन का दूसरा बीज बोने का काम करेगा। मैं चेतावनी देता हूं। लालू भाई, आप तो सरकार की चतुराई समझ ही नहीं पाए। सुबह इन्होंने आपसे वो मामला उठवा दिया और आपकी बात मान ली, और उसी शाम को आपकी थाली में से हिस्सा लूट लिया। अध्यक्ष, अध्यक्ष को संबोधित करिए। आप भी अब आपस में शुरू हो गया आप लोगों का, ये क्या हुआ? इधर बोलिए। हाँ तो इधर बोलिए, इधर बोल के बोलिए। मैंने ये आरोप लगाया था, सही लगाया था कि आरएसएस बीजेपी के इशारे पर माइनॉरिटी सबको कांग्रेस से हटाया, इन्होंने हटाया था। अब आप बहाना बना रही हैं कमंडल वाले लोगों, उसके बाद क्या हुआ? आप बहाना बना रही हैं, बहाना बना रही हैं। इलेक्शन है, इलेक्शन है, इलेक्शन है, और देश का बंटवारा आप चाहती हैं। मैं आपसे कह रही हूँ, सरकार ने चतुराई करी आपके साथ, सुबह आपकी बात मान ली, शाम को आप ही की थाली में से हिस्सा बटा लिया और आपकी बोली बंद हो गई। ओबीसी रिजर्वेशन में से 4.5% जब माइनॉरिटी को दिया, अंदर अंदर तो आप उबल रहे हैं, मगर आप बोल नहीं सकते, आप विरोध नहीं कर सकते। शरद यादव करेंगे विरोध, शरद यादव विरोध करेंगे, आप विरोध नहीं कर सकते। अंदर अंदर आप उबल रहे हैं, क्यों नहीं विरोध कर सकते? क्योंकि आप ही के शब्दों में आपको जवाब दिया जाएगा। आपने कहा था धन और धरती बट के रहेगी अपना अपना छोड़ के, तो लोग कहेंगे अगर आप विरोध करोगे तो कि मुस्लिम को आरक्षण तो दो पर हमरा हमरा छोड़ के, इसलिए आप बोल नहीं पा रहे। हाँ, बोल नहीं पा रहे, लुक गया। सरकार दोनों तरफ से फायदे में रही, सरकार दोनों तरफ से फायदे में रही, दोनों तरफ से फायदे में रही सरकार, और आपका हिस्सा लूट लिया। लेकिन अध्यक्ष जी, मुझे उस दिन प्रणव दा का जवाब सुनकर हैरानी हुई, जब मैंने ये आपत्तियां उठाई, आप पीठासीन नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम जुडिशरी का रोल अख्तियार क्यों करें, अपने आप अदालत को जो करना होगा कर लेगी। उनकी बात से ऐसे लगा जैसे ये बिल उनके लिए एक बला बन गया है और वो सिर से बला टालना चाहते हैं। बजट सेशन आ रहा है, वित्त मंत्री को काम बहुत होते हैं, उनको लगता है ये बिल पारित हो, जैसे मर्जी पारित हो, घटिया बढ़िया बेकार जैसा हो जाए के एक बार कि हम बिल ले आए। लेकिन ये सही नहीं है, ये सोच भी सही नहीं है। देख कर मक्खी नहीं निकली जाती, कोई चीज वैसे गलत हो जाए और उसके गूढ़ तत्व में जाकर के सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा वायरस करार दे दे, ये तो हो सकता है। लेकिन एक चीज पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल सामने है, और जिस सदन में इतने बड़े बड़े संविधान विशेषज्ञ बैठे हैं, अब चिदंबरम जी का गृहमंत्री के नाते हमारा विरोध होगा, पर वो एक नामी गिरामी वकील है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। आई एक्नॉलेज हिम एज एन एमिनेंट लॉयर। कपिल सिब्बल बैठे, होगा राजनीतिक विरोध हमारा, इनके बिल रुक जाते होंगे राज्यसभा में, लेकिन वो संविधान के विशेषज्ञ हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सलमान खुर्शीद बैठे हैं, पवन बंसल बैठे हैं, और पवन प्रणव दा चाहे लॉयर ना हो लेकिन इतना अनुभव है उनका इस संसद का, इतने अनुभवी सांसद हैं। यहाँ आडवाणी जी बैठे हैं, 40 साल का जिनका राजनीतिक अनुभव है, और छोटी मोटी टूटी फूटी जानकारी तो मुझे भी है अध्यक्ष जी संविधान की। हम सबके रहते हुए एक पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल यहां से पारित हो, ये हम कैसे सहेंगे? इसलिए मैंने इनसे कहा है, मेरे दो संशोधन है, पहले वाले में
संघीय ढांचे पे मेरा संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में है, जहां मैंने कहा कि अंडर आर्टिकल 252 शब्द जोड़ लो, आप उसको स्वीकार कर लो, दो राज्यों के प्रस्ताव मंगा लो और बिल 252 के नीचे ले आओ। यहां मेरा संशोधन है कि मजहब आधारित आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, इसलिए उसको संविधान सम्मत बना दो। यह मेरा पहला आरोप जो मैंने लगाया था कि बिल संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसके संदर्भ में मैंने ये तर्क और तथ्य दिए। मेरा दूसरा आरोप था ये बिल बहुत कमजोर और सरकारी लोकपाल निकालता है। अध्यक्ष जी चाहा तो हमने ये था कि सीबीआई को सरकारी शिकंजे से मुक्त किया जाए, मगर हुआ उल्टा। सीबीआई तो सरकारी शिकंजे से निकली नहीं, पर लोकपाल शिकंजे में आ गया। ऐसा बिल लाए हैं, उसकी अपॉइंटमेंट देखो तो कमेटी में सरकारी पक्ष की बहुलता, उसका रिमूवल देखो तो केवल सरकार के पास, यहां तक कि उसकी कार्यप्रणाली देखो तो कहते हैं कि जो इंक्वायरी विंग और प्रोसिक्यूशन विंग का डायरेक्टर होगा वो भी सेंट्रल केंद्र सरकार पैनल देगी उससे होगा, यहां तक कि उसका सेक्रेटरी भी जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल से होगा, बेचारा लोकपाल जो अपना सचिव भी नहीं चुन सकेगा। अपॉइंटमेंट में इन्होंने कहा है प्रधानमंत्री, स्पीकर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद जूरिस्ट नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। मेरा संशोधन है, वो प्रेसिडेंट का मतलब गवर्नमेंट होता है, कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमने रख लिया तो जूरिस्ट की क्या जरूरत है। अरे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश जिस पैनल में है वहां जूरिस्ट की क्या आवश्यकता है। मेरा संशोधन है कि वहां नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा को साथ में रखा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों सदनों के सांसद इसके घेरे में आ रहे हैं। एनएचआरसी में भी जिस पैनल में आप हैं, मैं हूं, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा है, प्रधानमंत्री है और एक मंत्री है, लॉ मिनिस्टर, तो वैसा बना सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रहते जूरिस्ट की आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों नेता सदन होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, तो सरकारी पक्ष की बहुलता कम होगी, वो टिल्टेड होगा इंडिपेंडेंट की तरफ, इसलिए वो मेरा एक संशोधन है। तो अपॉइंटमेंट में सरकारी पक्ष की बहुलता, हटाने का तरीका तो और भी निराला। सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस कौन कर सकता है, सरकार, प्रेसिडेंट लिखा है, प्रेसिडेंट का मतलब सरकार, या 100 सांसदों के ज्ञापन से सरकार। तीसरा तो बड़ा ही मजेदार है, अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी भारत के नागरिक को जो शिकायत करता हो, अगर उसके मन में ये भाव आ जाए कि ये लोकपाल सरकार का पक्ष ले रहा है, मेरे प्रति पूर्वाग्रह रख रहा है, तो वो अर्जी देगा सरकार को, सरकार तय करेगी कि इसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को करना कि नहीं करना। वो कहते हैं ना कि तुम ही कातिल, तुम ही मुंसिफ, तुम ही जल्लाद भी हो, अकरबा किस पे करे खून का दावा किस पर, इन्हीं के बारे में तो उसको शिकायत कि सरकार के लिए पक्षपात कर रहा है लोकपाल, और अर्जी दे इन्हीं को, मुंसिफ यही करेंगे, ये तय करेंगे कि उसकी इस एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए। कहीं विश्व भर में देखा है ऐसा? तो जिसकी नियुक्ति इनके हाथ में, जिसका हटाना इनके हाथ में, पदमुक्त करना इनके हाथ में, और बाकी तो आप हैरान हैं। आप प्रोविजो 10 पढ़िए, मैं तो पढ़ रही थी और हंस रही थी। There shall be a secretary to the Lokpal in the rank of the Secretary of Government of India, who shall be appointed by the chairperson from a panel of names sent by the central government. There shall be a director of inquiry and director of prosecution, not below the rank of additional secretary to the Government of India or equivalent, who shall be appointed by the chairperson from a panel of the central government, sent by the central government. एक बेचारा लोकपाल जिसको अपना सचिव, अपना सेक्रेटरी रखने की भी स्वतंत्रता नहीं है, इंक्वायरी विंग का डायरेक्टर इनका पैनल से चुनेगा, प्रोसिक्यूशन विंग का डायरेक्टर इनके पैनल से चुनेगा, और सेक्रेटरी भी इनके पैनल से चुनेगा।
हटाया इनके द्वारा जाएगा, नियुक्त इनके द्वारा किया जाएगा, और आप ये कहते कि वो बड़ा प्रभावी होगा, वो बड़ा स्वतंत्र होगा, वो बड़ा निष्पक्ष होगा, ये कैसे हो सकता? इसलिए मैंने कहा कि सरकारी शिकंजे में जकड़ा हुआ लोकपाल, और जहां तक उसके अधिकार का सवाल है, उसमें है ऑन ए कंप्लेंट। एक ऐसा लोकपाल बन रहा है जो सुओ मोटो यानी स्वतः किसी केस का संज्ञान भी नहीं ले सकता। हर जुडिशियल बॉडी ये करती है। मुझे तो मालूम है कि एक बार तो पोस्ट कार्ड के ऊपर संज्ञान ले लिया था, उसको PIL बना लिया था सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने। पोस्ट कार्ड, कितनी खबरें समाचार पत्रों में छपती हैं, कितनी जानकारियां उसके अपने पास आती हैं, लेकिन सुओ मोटो संज्ञान लेने का भी अधिकार लोकपाल को नहीं है। इस बिल में मैंने संशोधन दिया है कि वो सुओ मोटो शब्द डालो। लेकिन मैं जो कह रही हूं कि सरकारी लोकपाल कमजोर लोकपाल, तो ये सारे तर्क मेरे उस तरफ जाते हैं कि सरकारी शिकंजे में जकड़ा हुआ लोकपाल है, निष्प्रभावी लोकपाल है, और ये निष्पक्षता से काम नहीं कर सकता, ऐसा लोकपाल है। तीसरी बात मैंने कही थी कि अनेकानेक विकृतियों और विसंगतियों से भरा हुआ बिल है। मैं एक एक विसंगति आपके सामने रखूंगी, आप सुनकर हैरान होंगे। पहली विसंगति है प्रधानमंत्री को दायरे में लाने की। मतभेद है सदन में, कुछ लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री होने चाहिए, कुछ चाहते हैं नहीं होने चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं होने चाहिए। और ये बात आज नहीं कह रही हूं, जिस समय इस सदन में चर्चा हुई थी तब कह दी थी। लेकिन इन्होंने क्या कहा, प्रधानमंत्री को लाए तो हैं पर इतने कवच कुंडल पहना के लाए कि उन्हें कोई छू ही नहीं सके। क्या प्रावधान है, जो शिकायत आएगी उस पर पूरा बेंच, फुल बेंच लोकपाल का बैठेगा, 3/4 जज ये तय करे कि शिकायत पर कार्रवाई होनी चाहिए तो कार्रवाई होगी, वरना नहीं। ये 3/4 का कॉन्सेप्ट कहां से आया, 3/4 का कॉन्सेप्ट कहां से आया? अध्यक्ष जी, इवन इस देश में संविधान का संशोधन करने के लिए कुल सदन का 50% और उसका 2/3 चाहिए। कुल सदन का 50% होता है 273, उसका 2/3 होता है 182। अगर इस 543 में से 273 सदस्य उपस्थित होकर 182 लोग संविधान संशोधन के पक्ष में वोट कर दें तो संविधान संशोधित हो जाता है। और ये मिनिमम नंबर दैट इज 50%, 50% रख लीजिए। पर मैंने तो संशोधन दिया है 2/3 का। नहीं ठीक है, आई स्टैंड करेक्टेड। 182 मेंबर्स ने आई स्टैंड करेक्टेड क्योंकि 50% ऑफ द टोटल अलग से जरूरत है और 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग अलग से जरूरत है, इसलिए आई स्टैंड करेक्टेड। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि 50% भी चाहिए ना संविधान के लिए, आप 50% रख लें, मगर मैंने तो 2/3 का संशोधन दिया, ये 3/4 कहां से? और उसके बाद प्रोसीडिंग्स कैमरा में होंगी और वो किसी RTI में या कहीं बाहर उजागर नहीं की जाएंगी। हम पारदर्शिता ला रहे हैं या पारदर्शिता समाप्त कर रहे हैं? आप क्यों PM को एम्बेरस कर रहे हैं? अगर आपको नहीं लाना तो साहस से कह दीजिए, क्या हम उन लोगों का बात नहीं मानते जो लाना चाहते, कह दीजिए। लेकिन ये एक फार्स, ये एक दिखावा क्यों कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री को ला भी रहे लेकिन 3/4 तो पहले चाहिए, बाद में कैमरा में प्रोसीडिंग होगी और कोई आगे बताएगा नहीं, क्या ये संभव है? हिंदुस्तान में कहते हैं दो लोगों के बीच में बात हो तो बाहर निकलती है। 9 जज जिसे देखेंगे, उन 9 जज के 9 असिस्टेंट उनके सामने प्रोसेस करके शिकायत रखेंगे, कोई एक स्टेनोस ऑर्डर को लिखेगा भी, किसी ने विमत दिया असहमति दी तो उसका स्टेनो भी लिखेगा। 20-22-25 लोगों के बीच में से जो चीज निकलेगी वो बाहर नहीं आएगी। और शिकायत करता
शिकायत करता तो बताएगा। आप ऐसा कानून ला रहे हैं जिसकी अनुपालना कम होगी, अवहेलना ज्यादा होगी और अंदाजे लगेंगे, अटकलें लगेंगी, अफवाहें उड़ेंगी। कैबिनेट की बात नहीं, तो ऐसे अंदाज और आकलन वाली चीजें, अफवाहों की सरगर्मियां क्यों फैला रहे आप? आप पारदर्शिता से कहिए, आखिरकार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हाउस ऑफ द पीपल को माना गया है प्रधानमंत्री के बारे में। ये सदन किसी बेबुनियाद शिकायत पर थोड़ी कार्रवाई की इजाजत दे देगा। प्रधानमंत्री दल के नहीं होते, प्रधानमंत्री देश के होते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं, क्या शिकायत है और क्या हमने आगे क्या उस पर हुआ ये बताएंगे ही नहीं, किस कारण से वो शिकायत खत्म की गई ये बताएंगे ही नहीं। अरे अब तो असांजी जैसे लोगों ने विकिलीक्स के खुलासे कर दिए, 20-20 साल पहली चीजें बाहर आ गई। जिन लोगों ने काला धन बाहर रखा था, सोचा था कभी नाम नहीं आएंगे, उनकी सूचियां लोगों ने चुरा दी। क्या ये चीजें बाहर नहीं आएंगी? एक ऐसा कानून हम बना रहे हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा बल्कि जिसकी अवहेलना होगी। पर प्राइम मिनिस्टर एम्बैरस जरूर होंगे, कहीं भी अंतरराष्ट्रीय जगत में आएगा कि एक ऐसा लॉ अगेंस्ट करप्शन बना जिसमें प्रधानमंत्री की प्रोसीडिंग कैमरा में होगी, बाहर रिपोर्ट बताई नहीं जाएगी, लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा था बड़ा विकृति से भरा बिल है। और एक दूसरी भी संगति बताती हूं जो आपकी पीठ से संबंधित है। इसमें एक धारा जोड़ी गई है 24, स्टैंडिंग कमेटी में कभी उस पर चर्चा नहीं हुई। मैंने अपने स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों से भी पूछा और स्वयं स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी पढ़ी, कहां से आई वो धारा मुझे नहीं मालूम। सांसदगण सुन लें उसको। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि एमपी अगर चार्जशीट भी होगा तो उसकी रिपोर्ट स्पीकर को या चेयरमैन राज्यसभा को भेजी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि आप कार्रवाई करिए चार्जशीट के बाद, और अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगी या करेंगी उसकी रिपोर्ट आप लोकपाल को भेजेंगी, और नहीं करेंगी तो कारण क्या है ये भी उसको लिखकर भेजेंगी। अध्यक्ष जी मैं कहना चाहती हूं, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सदन सर्वोच्च है और इस सदन में आपकी सत्ता सर्वोच्च है। आपकी किसी रूलिंग को कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन यहां लोकपाल कह रहा है कि आप रिपोर्ट देंगे उसको, और ये आपने कैसे मान लिया? सपने आते हैं आपको, हंचीज होती है, क्या होता है आपको? हाँ, दुविधा में तो हमेशा ग्रस्त रहते हैं। आपकी सत्ता को तो कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी ने पढ़ा है ये बिल? स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा नहीं हुई, कहां से आई ये प्रावधान, कहां से आई ये धारा के चार्जशीट होने के बाद आपके पास वो रिपोर्ट भेजेगा और आप एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजेंगी उसको, और अगर एक्शन कोई नहीं लेंगी तो कारण लिखकर भेजेंगी। ये बिल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के भी विरोधाभास में, वहां तो कहते हैं कि कन्विक्शन के बाद भी अगर 2 साल का कन्विक्शन है और सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव लड़के जीत कर आ सकते हैं, मगर यह चार्जशीट के बाद ही सदस्यता से जा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, कोई एक विसंगति नहीं है इसमें। तीसरी विसंगति देखिए, सीबीआई की कार्यशैली के बारे में हमने बहुत बार चर्चा करनी चाहिए। पिछली बार बोलते हुए मैंने कहा कि सीबीआई वो यंत्र है जो सरकार के अल्पमत को बहुमत में बदलता है। जितने के नाम मैंने लिए वो सब आज दोहराना नहीं चाहूंगी, लेकिन पिछले 3 महीने में 2 नई घटनाएं हो गई। चिदंबरम जी के मामले में सीबीआई ने जाकर कह दिया इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जाकर याचिका दायर की कि मेरे पास वो सारा एविडेंस मैं फाइल में से निकाल सकता हूं जिसमें जांच की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पे कहा सीबीआई को कि फाइल दो ही दे, और वो फाइल देने के बाद वो मैजिस्ट्रेट के सामने गए। मैजिस्ट्रेट ने कहा मैं आपको सुनना चाहूंगा कि चिदंबरम साहब को अभियुक्त बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया जाना चाहिए।
मैजिस्ट्रेट सुन रहा है कि अभियुक्त बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन एक गृह मंत्री के खिलाफ कैसे सीबीआई कह दे कि हम जांच करने को तैयार है? उन्होंने सरेआम मना कर दिया। इसी तरह आंध्र प्रदेश की असेंबली में अल्पमत को बहुमत में लाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया गया। इसलिए हम चाहते थे कि सीबीआई सरकारी शिकंजे से निकले, लेकिन इन्होंने तो सीबीआई की ऐसी गुंबनघेरी बनाई है। पहले उसका एक बॉस था, अब चार बॉस बन गए। लोकपाल ग्रुप ए और बी के अधिकारी उसको भेजेगा, उसके लिए वो लोकपाल को रिपोर्ट करेगा। सीबीसी ग्रुप सी और डी के अधिकारी उसे भेजेगा, उसके लिए वो सीबीसी को रिपोर्ट करेगा। बाकी जो कोर्ट से डायरेक्ट उसके पास केसेस आएंगे उसके लिए वो कोर्ट को रिपोर्ट करेगा, और ट्रांसफर पोस्टिंग प्रमोशन के लिए वो डीओपीटी के आगे माथा टेकेगा। सबसे ज्यादा नियंत्रण होता है प्रशासनिक और वित्तीय, जिसके हाथ में धन है और जिसके हाथ में ट्रांसफर पोस्टिंग है। आपने डायरेक्टर सीबीआई की अपॉइंटमेंट तो रख दी, लेकिन क्या सारे काम डायरेक्टर करेगा? उसके नीचे के सारे अफसरों का प्रशासन तो डीओपीटी के हाथ में है। इसलिए हमने ये कहा कि अगर सीबीआई को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना है तो एक तो आप उसके इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन विंग को अलग करिए सीबीआई के अंदर, और उसके बाद उसका प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण लोकपाल को दे दीजिए, ताकि वो इनके शिकंजे से निकले, वो एक स्वतंत्र जांच एजेंसी के रूप में काम करे। और अगर ये हमारा ये सुझाव मानते हैं तो लोकपाल को एक एस्टैब्लिश्ड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मिल जाएगी, सीबीआई सरकारी शिकंजे से बाहर हो जाएगी और देश में भ्रष्टाचार से लड़ने का एक मजबूत तंत्र खड़ा हो जाएगा। मगर वो ये नहीं करेंगे। एक और भी संगति बताती, इसके अंदर एक धारा है 14, उसका एच देखिए। जब जब हम कहते थे कि लोअर ब्यूरोक्रेसी को आप लोकपाल में ले आओ, तो कहते थे नंबर देखा है आपने, 57 लाख कर्मचारी हैं, कैसे आएंगे? और अब आप 14 एच देखिए, हिंदुस्तान के सारे मंदिर, सारे मस्जिद, सारे गुरुद्वारे, सारे चर्च, सारे स्कूल, सारे अस्पताल, कोई संस्था नहीं बची, उनके प्रेजेंट डायरेक्टर, उनके एक्स डायरेक्टर्स, सारे के सारे लोग दायरे में ले आए। तो ये लोकपाल बेचारा दब जाएगा उनके नीचे। इतनी बड़ी विसंगति। इतनी बड़ी विसंगति, उन सबको ले आए, 57 लाख तो ज्यादा लग रहे थे, और इसमें जो करोड़ों लोग आ जाएंगे उनको ला करके लोकपाल के नीचे इन्होंने रख दिया। इसी तरह से जो मैं कह रही थी कि सेंस ऑफ द हाउस की इन्होंने अवहेलना की। सेंस ऑफ द हाउस किन तीन चीजों के लिए थी? पहली थी लोअर ब्यूरोक्रेसी के लिए, लोकपाल और लोकायुक्त के लिए, सिटीजन चार्टर के लिए। लोकपाल और लोकायुक्त में तो कंफ्यूजन है, 253 के नीचे लाए हैं और कह रहे हैं ऑप्शनल है। लोअर ब्यूरोक्रेसी में ए एंड बी उधर डाल के सी एंड डी सीबीसी को दे दिया है, और सिटीजन चार्टर का बिल ही अलग लाए हैं, वो भी स्टैंडिंग कमेटी को गया है, जबकि उस दिन ये तय हुआ था कि सिटीजन चार्टर, विसल ब्लोअर वो इसका पार्ट बनेंगे, अब वो स्टैंडिंग कमेटी से आएगा, उसके बाद वो इसका पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। सिटीजन चार्टर में अपने आप में बहुत खामियां हैं, विसल ब्लोअर में अपने आप में बहुत खामियां हैं, इसीलिए हमने विसल ब्लोअर के लिए बिल्कुल अलग वक्ता रखे हैं, केवल उसी पर बोलेंगे। सिटीजन चार्टर जब यहां डिस्कस होगा तब हम उस पर बोलेंगे। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि इस सरकार को यह पता नहीं है कि वो इस बिल में चाहती क्या है। एक तरफ लोकपाल इतना बेचारा है कि अपना सचिव भी नियुक्त नहीं कर सकता, दूसरी तरफ लोकपाल इतना ताकतवर है कि आपसे रिपोर्ट मांग रहा है। एक तरफ सीबीआई को अलग भी निकालना चाहते हैं, लेकिन उसके चार चार बॉस भी बनाकर रख रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये मजबूरी में लाया गया बिल है, और मजबूरी वित्त मंत्री की एक तो ये है कि इनको बजट बनाना है, इनके पास समय नहीं है, और दूसरा इनको ये है कि किसी भी तरीके से ये जो एक जन आंदोलन चला है, इसको हम ये कह सके कि हम एक बिल ले आए।
लेकिन अध्यक्ष जी, इस सदन की ये मंशा नहीं है और इस देश की भी ये मंशा नहीं है। हम चाहते एक सशक्त लोकपाल आए, एक प्रभावी लोकपाल आए, एक संविधान सम्मत लोकपाल आए। इसलिए मैं इनसे कहना चाहती कि या तो हमारे ये सारे संशोधन स्वीकार करके इस बिल को सुधारो, और नहीं तो मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ इस बिल को वापस ले लो। इस बिल को वापस स्टैंडिंग कमेटी को भेज दो, वहां इस पर चर्चा हो, वापस चर्चा हो। आप 2 महीने बाद लाओ, 3 महीने बाद लाओ, 2 महीने या 3 महीने बाद भी बिल आएगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, लेकिन कम से कम वो बिल, लेकिन कम से कम वो बिल देश, हमने चाहा था कि बिल शीतकालीन सत्र में आए, उस दिन सेंस ऑफ द हाउस में भी चाहा था, बाद में भी चाहा था, मगर ऐसा बिल लाए ये तो नहीं चाहा था। ऐसा बिल आए जो वर्तमान सिस्टम को भी ध्वस्त कर दे, जो आज तंत्र खड़ा है ये तो उसका भी विनाश कर रहा है, ये तो उसको भी ध्वस्त कर रहा है। इसलिए हमें ध्वस्त करने वाला बिल नहीं चाहिए, हमें देश में एक प्रभावी और सशक्त लोकपाल जो भ्रष्टाचार पर करारी चोट करे वो बिल चाहिए। आप 2 महीने और लगा लो, वापस स्टैंडिंग कमेटी के पास ले जाओ, लेकिन एक ऐसा बिल लेकर आओ जो देश की आशाओं को पूरा कर सके, जो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा, बोलने दीजिए, आप बैठ जाइए ना, आपकी बारी आएगी।